नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को सफल और कुशल बनाने का गुण सिखाते हुए बताया कि आगामी चुनाव में किस तरह काम करना है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। इसके अलावा उन्होंने आने वाले दिनों में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से मनाए जाने वाले शौर्य दिवस की तैयारियों का भी जायजा लिया। शौर्य दिवस का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इस आयोजन को करने जा रहा है। उसकी तैयारी की दृष्टि से आज ये बैठक थी। उस बैठक में मैं आया था। अभी बैठक का विषय मैंने रख दिया है, कल्पना उनके सामने रख दी है। इसके पश्चात वो सब अपनी रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि शौर्य दिवस इसलिए हम मनाना चाहते हैं कि 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और सर्जिकल स्ट्राइक सेना का एक बड़ा कदम था राष्ट्र के हित में, और इसलिए इस दिन आयोजन करके हम देश की सेना को सलाम करना चाहते हैं, उसके शौर्य की प्रशंसा करना चाहते हैं और सेना में श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज आज के साथ।